दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को महान T20 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में आया सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का तूफान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच खेले गए पहले T20 मैच में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर ऐसा तहलका मचाया है जिसके सामने विरोधी गेंदबाज भी सर पकड़ कर रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को पहले T20 में हराया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। ऐसे में आज दोनों टीम के बीच में रोमांचक अभ्यास मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। इस दौरान बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत लिटन दास और तंजीद हसन ने की, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। इस बीच अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया था, लेकिन जब दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तंजीद हसन को 4 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नजमुल संतो मैदान पर आए, लेकिन आज इनका भी बल्ला नहीं चला और ये भी तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने 2 रन पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तौहिद हिरदोय मैदान पर आए। इस दौरान लिटन दास और तौहिद हिरदोय दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में मिलकर 62 रन बटोर लिए, लेकिन इसी बीच पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी पारी को और भी ज्यादा तेजी से आगे ले जाने का कार्य किया। इस दौरान लिटन दास ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 11 ओवर में तौहिद हिरदोय ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज नहीं रुके। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए रवि बिश्नोई ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए 13 ओवर में लिटन दास को 65 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया, तो वहीं 14 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने तौहिद हिरदोय को 67 रन के स्कोर पर कॉट एंड बोल्ड कर दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन और महमदुल्ला मैदान पर आए थे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने टीम को आगे ले जाने का कार्य किया, लेकिन इसी बीच 19 ओवर में गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज ने महमदुल्ला को 39 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शाकिब अल हसन को 38 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर बाउंड्री पर मौजूद रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो गए। और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर के अंदर 222 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, तो वहीं 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसी भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर आए, जहां पर पहले ओवर में 4 रन बनाने के बाद तस्कीन अहमद की गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, जहां पर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक इस मैच में 56 रन बटोरे। लेकिन इसी बीच पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए मेहंदी हसन ने शुभमन गिल को 8 ओवर में 34 रनों के स्कोर पर LBW किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने 11 ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच 12 ओवर में शाकिब अल हसन ने सूर्य कुमार यादव को 53 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए। इस दौरान ऋषभ पंत और रिंकू सिंह मिलकर टीम को संभाला। इसी बीच ऋषभ पंत ने 18 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं इसी ओवर में अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान ने 57 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत को कॉट एंड बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी और अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, तो वहीं अब मैच और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 2 ओवर में 26 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मेहंदी हसन आए, जिनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या परेशान हुए, और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके चलते पूरा का पूरा दबाव भारतीय टीम पर आ गया, क्योंकि इस ओवर के अंदर मात्र 9 रन आए। ऐसे में मुकाबले में अंतिम ओवर का रोमांच देखने को मिल गया, जहां पर अंतिम ओवर में जीत के लिए
17 रन की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद आए और बल्लेबाजी पर रिंकू सिंह मौजूद थे। इस बीच तस्कीन अहमद ने पहली दो गेंदों पर रिंकू सिंह को मात्र 2 रन बनाने दिए, लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया और मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना दिया, जिसके बाद अब दोनों टीम के ऊपर फिलहाल काफी ज्यादा दबाव शामिल हो गया। इतने नहीं, उन्होंने चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सामने की तरफ एक बेहतरीन चौका भी लगाया। ऐसे में अब मैच और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंद पर 5 रन की जरूरत थी, तो जहां पर रिंकू सिंह ने 5वीं गेंद पर 2 रन ले लिए और अब अंतिम गेंद पर 6 रन की जरूरत पड़ी, तो गेंदबाज तस्कीन अहमद ने यॉर्कर गेंद डाली जो सही ठिकाने पर नहीं गिरी और अब बल्लेबाज रिंकू सिंह ने इसको मिड ऑन की तरफ छक्के में तब्दील कर दिया और 45 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के अभ्यास मैच में जीत दिलाई, जिसको देखकर अब भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और आगे भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद बांग्लादेश सीरीज में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को इस सीरीज में जीत दर्ज करने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इंटर स्क्वाड मुकाबले में आया रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज खेले गए इस रोमांचक इंटर स्क्वाड मैच में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी पारी से मैदान पर इस कदर तहलका मचा दिया, जिसके सामने श्रीलंकाई टीम खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम ने घुटने टेके हैं, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से कौन है भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आज एक रोमांचक इंटर स्क्वाड वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निसंका और अविष्का फर्नांडो ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और पावर प्ले की समाप्ति तक 75 रन बना लिए बिना विकेट खोकर। तो वहीं दोनों के बीच 90 रन की साझेदारी को आखिरकार 13 ओवर में कुलदीप यादव ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज पाथुम निशंका को 40 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस आए, जो अगले ओवर में अक्षर पटेल के सामने मात्र 2 रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा समर विक्रमा मैदान पर आए, जिन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अविष्का फर्नांडो को कॉटन बोल्ड 53 रन के स्कोर पर 18 ओवर में कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चरित्र असलंका मैदान पर आए, जिन्होंने अब सदीरा समर विक्रमा के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां पर समर विक्रमा ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 35 ओवर में पूरा किया, तो वहीं अब कप्तान असलंका ने 35 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी बीच दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा कर लिया और भारतीय गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। इस बीच सदीरा समर विक्रमा 120 रन बनाने के बाद अंतिम ओवर में सिराज के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान चरित्र असलंका ने 110 रन बनाने के बाद इसी ओवर में अपना विकेट बाउंड्री में मौजूद विराट कोहली के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 334 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि 335 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देने का प्रयास किया। लेकिन श्रीलंका के सभी गेंदबाजों ने वास्तव में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पावर प्ले के अंदर ही मुकाबले में पीछे धकेलने का कार्य कर दिया। इस दौरान शुरुआती 3 ओवर में भारतीय टीम को 3 महत्वपूर्ण झटके लगे। इस दौरान जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में अशिता फर्नांडो ने शुभमन गिल को 2 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कर वापस लौटाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, लेकिन ये भी मात्र 2 रन बनाने के बाद दुनित वैला लगे के सामने LBW आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल मैदान पर आए। हालांकि KL राहुल भी आज इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 5 ओवर में मात्र 5 रन बनाने के बाद वेंडर से की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर
आए। ऐसे में ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने मिलकर इस टीम को संभाला, जहां पर अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले की समाप्ति 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत को पहुंचाया। हालांकि पावर प्ले के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने 18 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो दूसरी तरफ से रोहित ने 21 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच 24 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे ऋषभ पंत 60 रन बनाने के बाद श्रीलंका की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और रोहित के साथ बेहतर बल्लेबाजी करने लगे। हालांकि दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या भी अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच 42 ओवर में रोहित ने अपना शतक पूरा किया, तो वहीं वेला लगे ने रोहित को 110 रन के स्कोर पर बाउंड्री में मौजूद कमिंडो मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए। हालांकि अब मुकाबला रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए 4 ओवर के अंदर 44 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान पूरा